अगर दोस्तों आपके बच्चे भी जिद कर रहे हो मैगी बनाने के लिए, तो आप ऐसी ही मैगी बनाइए कि वो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए आज हम मैगी ही बना रहे हैं बच्चों के लिए। ये मेरे पास रखा था, टोमेटो सॉस लाया था तो उसी के साथ में आया था, इसलिए आज मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी को पहले हम खोल लेंगे। मेरे बच्चे हैं जो वही बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैगी को निकाल लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक। इसे तेल में 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर। इसमें आप कोई भी सब्जी जो आपके बच्चों को पसंद हो तो डाल लीजिए। अब इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे आधी चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। एक चम्मच हमने लिया है रेड चिली सॉस, क्योंकि हमने हरी मिर्ची नहीं डाली है, बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हरी मिर्ची नहीं डाली। 2 चम्मच लिया है हमने टोमेटो सॉस, इसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे सॉस को। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा ही पकाना है, जिससे सब्जी खाने में भी अच्छी लगे। अब 3-4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी, जितनी आप मैगी बनाएं उसी हिसाब से पानी डालें। हम बहुत कम मैगी बना रहे हैं इसलिए हमने 2 कप पानी डाल दिया है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम मैगी डालेंगे इसमें। अब हम मैगी डाल देंगे। जब आप ऐसी मैगी बनाओगे तो मैगी बहुत हेल्दी भी हो जाती है। अब मैगी में जो मसाला आता है, तो हमने 1 पैकेट मसाला डाल दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखने देंगे, 2 मिनट। उसके बाद जब यह अच्छे से फूल जाएगी तो अपने आप ये फैल जाएगी। इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे ग्रेवी के साथ में। जैसे ही 4-5 मिनट हो जाएंगे, देखो हमारी मैगी अच्छे से पक गई है और पानी भी उसका जल गया है। ऐसी ही मैगी बनाना है, ज़्यादा ना पतली बनाना है ना ज़्यादा सूखी बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसी मैगी पसंद आती है, उन्हें थोड़ा सा उसमें सूप जैसा रहे। अब हम प्लेट में मैगी परोस देंगे। जब ये मैगी ठंडी हो जाती है तो इसका जो पानी होता है वो पूरा सोख लेती है मैगी। अब इसे ग्रीन अनियन से हम गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे तिल डाल देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो हमारी टेस्टी और हेल्दी मैगी बनकर तैयार है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही मैगी बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।